बिहार में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही विवाद हो गया है। पटना में अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण की इजाजत न मिलने को लेकर चिराग पासवान धरने पर बैठ गए हैं। हमारे संविधान के निर्माता हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके दर्शन करने से, उनके आशीर्वाद लेने से किसी को भी रोका जा सकता है। पर आज इस तरीके से हम लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका आशीर्वाद लेने से रोका जा रहा है। आप आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं, पर उनके विचारों पर चलने से आप किसी को नहीं रोक सकते। और आज हम जितने भी अनुयायी हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले, उनके विचारों पर चलकर आगे एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, इस बात का संकल्प इस आशीर्वाद यात्रा में हम लोग लेकर जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले नई दिल्ली में चिराग ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस दौरान अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान भावुक भी हुए। करता हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। जैसे बाबा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लाख कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, चुकाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। आज उनके जन्म दिवस पर पापा ने अपने रहते हुए इस किताब को लिखा था। हम सब ने सोचा था कि पापा के रहते हुए ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें इस किताब को हम लोग रिलीज करेंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज जब पापा ने...